हेलो फ्रेंड, सीयूईटी 2022 के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हम, आज है 28 अप्रैल, तो आज हम मनाते हैं आईएलओ के द्वारा, देखिए आईएलओ के द्वारा 2003 से स्टार्ट हुआ था फायर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम जो है स्टे सेफ कीप हेल्दी रहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुमन बैरी को नियुक्त किया है। इससे पहले राजीव कुमार रह चुके हैं। देखिए यह वाइस चेयरमैन है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा पीएम होते हैं। इस समय पीएम नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो देखिये हम इनके बारे में जानते हैं। यह एक इंडियन इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक, राइटर और फार्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली से सुसज्जित बस सेवा शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं हम, ये देखिए उसका एक इमेज है, ये रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टूरिज्म मिनिस्टर, देखिए मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इनका नाम आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे। चलिए यह बस सेवा जो है गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक स्टार्ट किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में हम और जानते हैं, इस समय वहां के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और वहां के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं। चलिए नेशनल पार्क के बारे में हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र में वहां पे एक फेमस नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क है, दूसरा है चंदोली नेशनल पार्क। चलिए आगे देखते हैं हम, अगर आप हमारे इन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए यह 1947 में फाउंडेड किया गया था और इसके इस समय जो मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। चलिए हम और देख लेते हैं, यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल्स कौन है? मुंडा अर्जुन मुंडा। और मिनिस्टर ऑफ साइंस कौन है? ये है जितेंद्र सिंह। और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान। चलिए आगे देखते हैं हम, हुंगजोम दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य के हुंगजोम युद्ध स्मारक परिसर के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए इसका एक इमेज है, यह एंग्लो मणिपुर वार हुआ था 1891 में, जो कि ब्रिटिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके लिए? मणिपुर के लिए। चलिए अब देख लेते हैं मणिपुर के गवर्नर कौन है, लाव गणेशन। और वहां के सीएम कौन है? बीरेन सिंह।
चलिए आगे देखते हैं हम। एलोन मस्क ने हाल ही में 44 बिलियन डॉलर मेकी सोशल मीडिया कंपनी को अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर। अब देखते हैं हम ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। इसके इस समय सीईओ जो है वो है पराग अग्रवाल। चलिए यह कब फाउंड किया गया था? 21 मार्च 2006 कहां पे? कैलिफोर्निया यूएस। इसके फाउंडर कौन है? वो जैक डोर्सी। चलिए हम गूगल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे गूगल किस में सीईओ है? सुंदर पिचाई। चलिए यह देखिए 4 सितंबर 1998 को फाउंडेड किया गया था। यह भी कैलिफोर्निया यूएस की कंपनी है सब। इसके फाउंडर कौन है? देखिए लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। चलिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है वो सत्य नडेला और यह कंपनी जो है 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। कहां पे? न्यू मैक्सिको। चलिए इसके फाउंडर कौन है? वो है बिल गेट्स और पॉल एनर। फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम अभी हाल ही में चेंज करके क्या रह दिया गया है? मेटा। चलिए यह फरवरी 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था। कहां पे? कैलिफोर्निया यूएस में। इसके सीईओ और फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसके कुछ फाउंडर जो थे 5 लोगों की टीम थी। देखिए मोस्टली जो सोशल मीडिया कंपनी है सब कहां की है? लगभग सब यूएस की है, मल्टीनेशनल कंपनी। चलिए इसमें दुनिया के सबसे रईसों में से एक स्मार्ट व्यक्ति है, वो है इलोन मस्क। चलिए आगे देखते हैं हम। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने हाल ही में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइलिंग करेज अवार्ड 2022 से पहली बार कितने व्यक्ति को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए देखिए अभी हाल ही में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है उनको शामिल किया गया है। और ये 5 लोग हैं, ली चेनेई है, जोकोलान बेंसन है, बावर हसन और मॉस। चलिए आगे देखते हैं हम। यूनेस्को ने महानिदेशक आंद्रे एजोल द्वारा किस देश के शहर मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ग्वादलाजारा। देखिए ये कहां पे है? ये मेक्सिको की एक सिटी है। चलिए सेंटियागो किस देश की कैपिटल है? वो है चिली की। लिस्बन कहां की है? वो है पुर्तगाल की। और मैड्रिड कहां की कैपिटल है? वो है स्पेन। चलिए यह है कुछ का खूबसूरत इमेज। चलिए आगे देखते हैं हम। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किस भाषा के लेखक बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो उड़िया की थी और यह देखिए अनमैरिड थे। किसके साथ रहते थे? अपने एफयू के साथ रहते थे। इन्होंने 100+ बुक जो लिखा। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस देश को 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इंडिया के द्वारा किया गया है। यह इस इमेज है। चलिए आगे देखते हैं हम।
निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दृढ़ता ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा ने किया है। तो नासा के बारे में देख लेते हैं, यह एक गवर्नमेंट एजेंसी है किसकी? यूएस की, ठीक है। यह देखिए ड्वाइट डी आइजनहावर जो कि वहां के प्रेसिडेंट रह चुके थे, वो फाउंडर किए थे। इसका हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी में। कब? 29 जुलाई 1958 को एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए हाँ, टेस्ला के बारे में देख लेते हैं। टेस्ला का फंड किया गया था 2003 में किसके द्वारा? इलोन मस्क द्वारा। और स्पेस एक्स भी उन्हीं की कंपनी है, वो कब फंड किया गया था? 2002 में। इसरो देखिए, इसरो अपने यहाँ का है, इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। कब फंड किया गया था? 15 अगस्त, इसको आपको याद कर लेना है, 1969 में। कहां पे? इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में। कौन फंड किया गया था? विक्रम साराभाई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।